मंदसौर वार्ड क्रमांक 26 पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित सहस्त्र शिवलिंग मंदिर गेट के ऊपर की दीवार की टाइल्स टूटी, बाल बाल बचे श्रद्धालु। मंदसौर वार्ड क्रमांक 26 पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित सहस्त्र शिवलिंग मंदिर गेट के ऊपर की दीवार की टाइल्स टूटी, बाल बाल बचे, दर्शन करने आए श्रद्धालु। मीडिया से चर्चा करते हुए शिवभक्त ने बताया कि यह जो निर्माण कार्य हुआ है वह काफी खराब है और इसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। जब से यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है, जब से सहस्त्र शिवलिंग मंदिर सुर्खियों में चल रहा है। इससे पहले भी कई नेताओं ने यहाँ पर निर्माण कार्य को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, पर जिम्मेदारों ने कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। और आज फिर सुबह अचानक सहस्त्र शिवलिंग मंदिर गेट के ऊपर की दीवार से करीब 20 टाइल टूट गई और नीचे गिर गई। वहां से श्रद्धालु दर्शन करके निकल रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। इस मामले को लेकर कोई जिम्मेदार मीडिया के सामने नहीं आया और जो टाइल्स टूटी थी, नीचे गिरी थी, उनको तुरंत साफ करने का कार्य पशुपतिनाथ मंदिर कर्मचारियों द्वारा आरन फानन में किया गया। ये पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर है, वो नया मंदिर है, नया जो अभी बना है। क्या हुआ यहाँ पे? ये धड़ाम से कम ये समझो कि 20 टाइल गिरी है, धड़ाम से गिरी। वो तो भगवान की अच्छी मेहरबानी रही, जो कोई झपट्टे में नहीं आया। एक दो बच्चे और लेडीज निकली थी, वो बहुत भयंकर विस्फोट के साथ ये फरसे गिर गई। टाइल कैसे गिरी क्या लगता है? अपने आप गिर गई। क्या लगा? काम तो सब बेकार है, इसीलिए। हाँ, सीमेंट दिख रही ना, देखो आप सीमेंट। क्या लगता है, बड़ा हादसा होते हुए? बड़ा हादसा होते हुए टाला भगवान पशुपतिनाथ। क्या लगता है, जिन लोगों ने इस तरह कार्य किया उनको कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए, पहले होना चाहिए कार्रवाई। क्या लगता है, जनता का पैसे का दुरुपयोग हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या लगता है, बड़ा हादसा होते टला है?